परम शांति बाबू जी, बाबू जी आपका स्वागत है। आज हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारा जो सेल है, तो सेल के अंदर ये बीमारी के जो अभी आपने जैसे अभी बात हो रही थी, आप हमें समझा रहे थे कि सेल के ऊपर के जो आवरण है, हमारे मनुष्य के ओरा के जो आवरण है, तो अगर वायरस हमारा ओरा मजबूत होगा तो वो वायरस नहीं आएगा, और सेल को कैसे मजबूत करें उसके बारे में बताएं। देखो, जो हमारा स्थूल सेल है, शरीर के अंदर स्थूल सेल है। आजकल सभी ये तो जानते हैं ना कि हमारा शरीर है कई ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। ठीक है। तो एक सेल के अंदर ऊपर के आवरण में जल और मिट्टी है सेल के अंदर, उसके अंदर फिर अग्नि और वायु है, और उसके अंदर फिर आकाश तत्व है। तो इससे एक सेल बना है ना, मतलब पांच तत्वों का सेल के अंदर ऊपर दो तत्व है, जल मिट्टी, और उसके अंदर वायु और अग्नि है, इसके अंदर आकाश है। तो ये पूरा एक सेल बना हुआ है। अब जब सेल खराब हो जाता है तो वो उसको लोग क्या बोलते, कैंसर हो गया, तो वो सेल को निकाल देते हैं ऑपरेशन करके। मगर वो सेल तो ऊपर जल मिट्टी वाला सेल निकाल दिया, मगर सूक्ष्म शरीर जो है, मतलब सूक्ष्म में सेल के तो वो आकाश और वायु का। आकाश वायु और अग्नि तीन तत्वों का जो सेल रहा वो तो चार्ज नहीं हुआ ना। तो कैसे चार्ज करेंगे उसको? तो वो चार्ज करने के लिए देखो पावर चाहिए। कोई भी आकाश तत्व माना कारण शरीर, आकाश तत्व का शरीर माना कारण शरीर का सेल, क्या कहेंगे उसको? कारण शरीर। आकाश तत्व का सेल माना कारण शरीर का सेल, और वायु तत्व का सेल माना प्राणमय शरीर का सेल, माना प्राणमय शरीर जिसको बोलते हैं भक्ति मार्ग वाले, प्राणमय शरीर का सेल। तो वायु तत्व को सेल को चार्ज करना है, या अग्नि तत्व को चार्ज करने के लिए परम वायु चाहिए। क्या देखो, वायु तत्व को चार्ज करना है तो परम वायु चाहिए, अग्नि तत्व को चार्ज करना है तो परम अग्नि चाहिए, और आकाश तत्व को चार्ज करना है तो परम आकाश चाहिए। तो परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि कहाँ से आएगी, किसके पास होगा? जिसके पास हो उसके पास कनेक्शन करो, उसे कनेक्शन जोड़ो, और उसी से पावर आउट से कनेक्शन लो तो पावर आएगी। समझ में आए ये? तो सेल चार्ज हो जाएगा, नहीं तो ये तुम जो जैसे कोई कहीं भी डैमेज, सूक्ष्म शरीर में जो भी डैमेज होता है, वो जब आत्मा शरीर छोड़ देती तो सूक्ष्म शरीर को डैमेज हुआ वो रीबॉर्न होगा तो भी दूसरे जन्म में भी ये डैमेज आएगा ही आएगा। समझ में आए? तो उसको जब कई आत्मा मर जाती हैं तो उसके आसपास जो आत्माएं होती हैं, अच्छी आत्माएं होती, तो उसको बोलते तू थोड़ा तपस्या कर ले, हिमालय में जाकर तपस्या करती है। जैसे तो वहां जाने का फायदा क्या बापू? वहाँ हिमालय। जैसे जैसे ये मानसरोवर जाते हैं, कैलाश मानसरोवर या बद्रीनाथ केदारनाथ हिमालय में जाते हैं ना, तो वहाँ का जो वायुमंडल होता है, वायु तत्व, वायु तत्व थोड़ा ठीक होता है, ओके। सत्व प्रधान मतलब, सत्व प्रधान वायु तत्व होता क्योंकि है वो दूषित नहीं है। वहाँ। नेगेटिव वायु तत्व में नेगेटिव वायुमंडल कम होता है, ठीक है। और यहाँ जो धरती पर जो नेगेटिव वायुमंडल भरा हुआ होता है, वायु तत्व के एक एक सेल में, वायु तत्व के यहां धरती पर वायु तत्व के एक एक सेल में नेगेटिव रिकॉर्ड पड़ा आता है। जैसे तुम्हारे रेडियो वेव चलते हैं, टीवी चलते हैं, ये सारे के सारे तो वायुमंडल में, वायु तत्व में रिकॉर्ड होता है ना। और जितना तुम पहाड़ों के ऊपर जाओ, जैसे 1000 मीटर उप गए, 2000 मीटर, 5000 मीटर, 10000 मीटर, तो वो इतना ऊपर वो रिकॉर्ड नहीं जाता। समझ में आए? इसलिए वायु तत्व सत्व प्रधान होता है, इसलिए वहां शांति मिलती है आत्मा को। वहां को शांति मिलने का कारण भी वहां वायुमंडल सत्व प्रधान है और धरती पर तमो प्रधान है। आप समझे ना, जैसे टीवी चालू करो तो कितना धनाधन तो चैनल जैसे आप बदल। बत बिल्कुल ठीक है, जैसे हिमालय की आपने बोली कि अगर जैसे हाई जितनी हाईएस्ट जगह जाएंगे ऊंचाई पे, वहाँ पे वायुमंडल सत्व प्रधान है, तो आपके सेल्स का जो आकाश तत्व है वो चार्ज होगा, आकाश तत्व नहीं चार्ज होगा वहां, वायु तत्व चार्ज होगा। वायु तत्व चार्ज होगा। ओके। और वायु तत्व चार्ज होगा तो वायु के अंदर अग्नि है, वायु वायु तत्व सत्व प्रधान होता है तो अग्नि तत्व भी सत्व प्रधान होता है। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि तुम्हें दो हिमालय जाके तत्व, तपस्या करनी हाँ, पड़ेगी। दो दो तत्व चार्ज हो जाते हैं। जैसे हिमालय में ऊपर जितना 5 किलोमीटर ऊपर गए, 10 किलोमीटर, मतलब 5000 मीटर माना 10, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जैसे मानसरोवर जाते हैं ना, तो लोगों को शांति क्यों मिलती है? वो करीबन 9 किलोमीटर ऊपर है, राउंड अबाउट 8-9 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से।
तो जितना तुम ऊपर जाओगे इतना सतो प्रदान मिलेगा, नेगेटिव वाइब्रेशन तो नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ कोई बीमारी से आत्मा मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद भी उस आत्मा को हिमालय पे जाना पड़ेगा सूक्ष्म शरीर के साथ, वहाँ जाके उसको तपस्या करनी पड़ेगी, वहाँ अपने आप को जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में डैमेज हुआ है उसको वो भरपाई करना पड़ेगा, फिर नया जन्म लेना पड़ेगा। कारण शरीर वहाँ मानसरोवर चार्ज नहीं होगा। ओके, जैसे 5-7-8 किलोमीटर ऊपर गए, जैसे हिमालय में कई ऐसे सूक्ष्म आश्रम बहुत है, बहुत आत्माएं सूक्ष्म आश्रम चलाती, मैंने एक वीडियो में बोला हुआ है पहले भी कि वहाँ हिमालय में ऊंचे जो जितने भी हैं तीर्थ स्थान हैं, वहाँ लाखों की तादाद में लोग तपस्या कर रहे हैं, अपने ग्रुप में गोले में गोला बनाए, उसमें 5,000 लोग तपस्या कर रहे हैं, कोई में 4,000 कर रहे हैं, कोई में 10,000 आत्माएं तपस्या कर रही है, तो वो वायु तत्व और अग्नि तत्व को चार्ज करते हैं। मगर जब ये उसको पर ब्रह्म परमेश्वर निराकार की याद दिलाते हैं, तो निराकार से जो शिव निराकार को याद करते हैं, तो शिव निराकार में परम लाइट होती है, क्या होती है, बुद्धि कहाँ जाती है, उनसे उन परम धाम में याद कराते हैं, वो वहां पर ब्रह्म परमेश्वर को याद कराते हैं। अगर पर ब्रह्म परमेश्वर को जब याद कराते निराकार, तो निराकार को याद करते करते लवलीन अवस्था होती है, उससे प्यार होता है। तो आत्मस्वरूप मैं उसको, तो आत्मस्वरूप तो सब कुछ जानते ही है ना, तो आत्मस्वरूप बन को परमात्मा की याद में वो निराकार रूप में समा जाते हैं, क्या कहते हैं, वही तू वो ही याद रहता है, अपने आप को भूल जाते हैं, ठीक है, अपने आप को भूल जाते हैं, उसको याद रह जाता है, तो उसमें से जो पावर आती है परम लाइट आती है, तो परम लाइट में से परम महातत्व और परम आकाश तत्व चार्ज होता है। तो कारण शरीर माना आकाश तत्व, आकाश तत्व को चार्ज करने के लिए परम आकाश चाहिए, तो परम आकाश आ जाती है उसके बॉडी के अंदर, एक बूंद भी, एक हल्का सा, तो परमा कारण शरीर चार्ज हो जाती है, कारण शरीर चार्ज होगा तो परम वायु, परम वायु, परम अग्नि सब सूक्ष्म शरीर को चार्ज कर लेती है, और सूक्ष्म शरीर को चार्ज होने से वो आत्मा हल्की हो जाती है, फिर धीरे धीरे ऊपर के लोकों में जाने के लिए तैयार हो जाती है, फिर ये दोबारा जन्म लेने के लिए तैयार नहीं होती ऐसी आत्मा, फिर ऊपर के लोकों में चली जाती है। बाबू जी, आप दूसरी एक बात कर रहे थे आत्मस्वरूप की, कि अगर आत्मा यहाँ आत्मस्वरूप में तैयार रहेगी तो ऊपर के जो 108 वाली आत्मा है वो उसको रेज मार के पहचान लेगी, उसके बारे में बताइए। देखो, हमेशा मैं तो 108 के बारे में सोचता रहता हूँ कि 108 में कहाँ से ढूंढे, कैसे ढूंढे, कौन होंगे, उनकी स्टेज क्या होगी, क्योंकि ज्ञान योग सेवा धारणा कम से कम 60% हो। तो जो आत्माएं आत्मस्वरूप की स्टेज होती हैं, आत्मस्वरूप की मतलब एकदम आत्मस्वरूप में स्थित का अनुभव होता है, तो आत्मस्वरूप की जो परम लाइट के रेज निकलते हैं, तो आत्मस्वरूप की परम लाइट के जो रेज निकलते हैं वो उसकी जो रचियता होता है ना वो पकड़ लेता है, समझ में आए। आत्मस्वरूप की जब रेज होता है, रेज निकलता है आत्मस्वरूप की, समझ में आए, ठीक है, वो रेज उसकी उसकी रचियता तक पहुंचता है, उसका जो जिसने उसका मालिक है, जिसने रचा है उसको, जिसने उसको क्रिएट किया, वहां तक पहुंच जाती है उसकी रेंज, ठीक है, उसकी रेंज नियम है, सो तो साइंटिफिक नियम है ये। तो बाबू जी, जैसे ये बात हो गई कि सिम कार्ड आपने मोबाइल में डाला और चालू किया तो वो टावर को पकड़ लेगा, तो टावर को पता चल जाएगा कि ये नंबर का मोबाइल जो है वो चालू हो गया है। हाँ, तो आत्माओं का असली टावर क्या है, उसका रचियता, ठीक है। अब जैसे 108 है, 108 आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएगी, तो आत्मा 108 स्वरूप में स्थित हो जाएगी, आत्मा में पावर आएगी, तो ऊपर में जो आकारी रूप में 108 जो बैठे हुए हैं आकारी रूप में, जो उसके रचियता है 108 के, वो उन तक रेज पहुंच जाएगी, तो वो 108 जान लेंगे कि ये मेरी रचना है, मेरी रचना है, मेरी रचना है, तो वो फिर 108 वाले कन्फर्म हो जाएंगे कि ये मेरी रचना है, मेरी रचना है, तो फिर वो उसमें प्रवेश कर लेंगे, अब प्रवेश करके बाप का रूप धारण करेंगे तो 108 तैयार हो जाएंगे, तो एकदम लाइट स्वरूप बन जाएंगे, वो प्रवेश करेंगे एकदम वैक्सीय वैक बन जाएंगे एक सेकंड में। तो साकार में आत्माओं को कैसे तुम ढूंढोगे, क्योंकि आत्मा पर तो अनेक आवरण है, आत्मा पर तो अनेक आवरण, तो वो ऊपर वाले 108 कैसे ढूंढेंगे, 108 तो ढूंढ रहे, ऊपर वाले ढूंढ रहे कि मेरे साकार रूप कौन सा है, आकारी 108 ढूंढ रहे कि मेरा साकारी रूप 108 धरती पर कौन है, वो तो ढूंढ रहे, रेज भी मारते हैं, मगर वो रेज ऊपर से जो रेज आ रही है वो उसके साकारी रूप नहीं ले पाते, क्योंकि वो आत्मस्वरूप नहीं है, वो तो पावर डालेंगे मगर आत्मस्वरूप की स्थिति नहीं है, तो कैसे वो रेज को पकड़ेंगे, और ऊपर वाले भी कैसे जानेंगे ये मेरी आत्मा है। इसलिए पहले से ही कहा है, मैंने कई सालों से कह रहा हूँ, आत्मस्वरूप बनो, आत्मस्वरूप बनो, आत्मस्वरूप बनोगे तो तुम्हारी ये आत्मा की जो रेज है
यहाँ से तुम्हारी रचिय तक जाएगी, तुम्हारा असली टावर पकड़ेगा और उसको पता लग जाएगा कि ये मेरा साकार रूप है। आकारी को भी पता लगेगा, 108 वालों को भी पता लगेगा, 1008 वालों को भी पता लगेगा। तो 108 और 1008 वालों, मतलब 108 वाले भी जान जाएं और आत्मस्वरूप बने, तो उसकी रेज 108 के आकारी रूप तक पहुंच जाएगी। 108 के आकारी रूप जान जाएंगे, पहचान जाएंगे कि ये मेरा साकारी रूप है। और जब वो अपने साकारी रूप को जान पाएंगे कि ये मेरा ये साकारी रूप है, तब 108 एक साथ में, जब 108 की माला बन जाएगी तो काम समाप्त हो जाएगा। तो अभी 108 साकार रूप में जो बैठे हैं, वो हमेशा कहता हूँ आत्मस्वरूप की अनुभूति करो, आत्मस्वरूप की अनुभूति करो। यही मेन रह गया अभी, एक ही ज्ञान योग सेवा धारणा। धारणा माना आत्मस्वरूप में स्थित होना, अपने आप को जानना मैं कौन हूँ। तो जब आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओगे, तुम्हारी जो आत्मस्वरूप की लाइट की जो रेंज है वो तुम्हारे रचिय तक पहुँचेगी और वो तुम्हारा रचिय तक जान लेगा कि ये मेरी रचना है। तो वो आकारी रूप में तुम्हारे साकार में प्रवेश कर लेगी, फिर एक साथ में वो बाप का रूप धारण करेंगी। और बाप का रूप तो धारण करके वो आकारी रूप काम ही कर रहे हैं, सबको हेल्पलाइन दे रहे हैं, ढूंढ रहे हैं वो 108। मैंने बोला कि 5000 किलोमीटर के ऊपर एक 2 किलोमीटर डायमीटर का गोला है, उसमें छोटू राम के साथ 108 भी हैं, 1008 भी हैं, सब अपने अपने साकार रूप को ढूंढ रहे हैं। जब साकार रूप को उनको प्रत्यक्षता पता लग जाएगा कि मेरा साकार रूप है, तब प्रवेश कर लेंगे, तब काम समाप्त हो जाएगा। 108 की माला बनना मना काम समाप्त, तब प्रत्यक्षता एक सेकंड में हो जाएगी। चारों ओर परम लाइट से बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, उसकी पूरी बॉडी परम लाइट आएगी, उसके अंदर से परम लाइट, क्योंकि उसमें बेहद की कला का पावर है। तो उसकी बॉडी में सारी परम लाइट फैल जाएंगी, वेग से अवेग बन जाएंगे। अवेग स्वरूप धारण करना माना, धारणा माना अवेग स्वरूप को धारण करना। यहाँ ज्ञान योग सेवा धारणा चार है, जितना ज्ञान होगा इतना ही योग लगेगा, इतना ही आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, ज्ञान पूरा होने के बाद तो ज्ञान आत्मा, अभी तो ज्ञान तो अभी पूरा ही हुआ है ना, अभी तो ज्ञान तो अभी पूरा हुआ है ना, अभी मैंने अभी अनाउंस किया कि ज्ञान सब्जेक्ट पूरा हो गया। टीचर का पार्ट पूरा हुआ ना, वो आज के पुरुषार्थ में भी मैसेज आ गया ना कि भी बाप का पढ़ाने का कार्य पूरा हुआ, पढ़ाई पूरी हुई, मगर अब वो जो ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप बनना क्या है, ज्ञान को जीवन में धारण करना माना ज्ञान स्वरूप बनना। तो ज्ञान स्वरूप बना माना अवेक स्वरूप को धारण करना, अवैध स्वरूप को धारण करना, लाइट भी बॉडी, आत्मा भी बॉडी, चारों प्रकृति भी बॉडी, पांच तत्वों की प्रकृति परम तत्वों में बदल जाएगी। चारों लाइट ही लाइट देखो, चारों लाइट ही लाइट देखो, तुम भी लाइट, चारों लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट है। तो ये होने वाला है अंत में, जब आत्माएं 108 की माला बन जाएगी, क्योंकि 108 की माला एक में से एक एक निकली हुई ऐसी है कि एक में से दूसरी निकली, दूसरे से तीसरी, तीसरी चौथी, चौथी से पांचवी, पांचवी छठी, ऐसा करके 108 निकले हुए हैं। ऐसी तरह 1008 की माला भी ऐसे ही निकली हुई है, एक से दो, तीन एक में दो, दो में से तीन, तीन में चार, चार में पांच, छह, ऐसे एक दूसरे से कनेक्शन है, इसलिए एक दूसरे से कनेक्शन, एक दूसरे में से निकली हुई है। इसलिए ये सभी आत्मस्वरूप की अनुभूति बने, क्योंकि 16000 अलग बने हैं, 16000 ऐसे नहीं बने, 108 बने हैं 198 करोड़ साल पहले, दूसरे पराध शुरू होने से पहले। अरे 108 नहीं बापू जी, वो तो आपने बताया 5000 साल पहले ही बने, वो तो ये 16009 लाख, मगर वो निराकारी 108 निराकारी रूप में, जब पहले छोटू राम की भी रचना की गई ना, ऑलमाइटी ने छोटू राम को बनाया ना, तब छोटू राम ने 108 निराकारी रूप में, अपने निराकारी रूप में से निराकार रूप निकाला 108। तो 198 करोड़ साल पहले निकाला था निराकार रूप में, वो निराकार रूप में काम करते रहे, मगर जब ऑलमाइटी ने उसको बोला कि तुम धरती पर जाओ ऑब्जर्वेशन करो, तो धरती के ऊपर 500 किलोमीटर ऊपर उसने भेजा छोटू राम को, तब 108 को लेकर आया 15 लाख साल पहले। तो 15 लाख साल पहले उसको 108 को लेकर आना था धरती पर ऑब्जर्वेशन के कार्य के लिए, तब उसने दूसरे 1008 निकाले 15 लाख साल पहले, 1008 निराकार में रूप में निकाले परम धाम में, हमारा परम धाम, हमारे ब्रह्मांड का परम धाम माना एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष, समझ में आए, एक प्रकाश वर्ष में। तो वहाँ 1008 निकाला 15 लाख साल पहले, और वो वहाँ 1008 को छोड़े ताकि वो ऊपर का रिकॉर्ड उसको देते रहे, 108 को लगाया धरती के सारी में काम करने पे, धरती पर का रिसर्च वर्क कि धरती पांच तत्व कैसे बने, पांच तत्वों को कैसे बदले, क्यों बने पांच, उसका रिसर्च वर्क के लगाया उसको। और ये इनके कारण राम अवतार, कृष्ण अवतार भी इनके ही हुए हैं ना सभी के, छोटू राम के, मगर वो अलग अलग तरह से हुए अलग अलग। तो ये बहुत अधिक हुई बातें हैं। और बाद में 16009 लाख तो आकार साकार रूप में, तो कृष्ण अवतार के समय निराकार ने भी
108 ने भी 1008 ने भी अपने आकारी रूप में होकर वो उनको निराकारी रूप में 108 को साकारी, वो निराकारी रूप में सर्जन किया, निराकारी से भी आकारी और वो साकारी बने 108 1008 दोनों। मगर 16,000 को तो 5-10 साल पहले ही छोटू राम ने बनाया, 16,000 और 9 लाख को सर्जन किया, उससे पहले उसका अस्तित्व ही नहीं था। 5-10 साल पहले 16,000 और 9 लाख का तो अस्तित्व ही नहीं था। उसने 500 किलोमीटर का जो गोला था, 500 धरती से ऊपर 500 किलोमीटर का ऊपर का जो गोला था उसमें वो रहता था 15 लाख साल से, उसमें रहता था 500 किलोमीटर ऊपर, क्योंकि सारा ऑब्जर्वेशन का काम उसका, धरती पर ऑब्जर्वेशन का काम वो था। उसने भी अपना रूप निकाल के काम किया था, दूसरे में एक गोले में उसका रूप काम कर रहा, जिसका नाम मैंने नानूराम रखा है, क्योंकि ये सब बताना पड़ेगा खुल के, क्योंकि वो नानूराम के द्वारा साफ काम कर रहा था, खुद नहीं करता, करवाता है हर कोई, जैसे मैं भी करवाता हूँ, तो दूसरे हर कोई ऑलमाइटी ऑथोरिटी खुद नहीं करता, इसलिए उसको अकर्ता कहते हैं, करवाता है, अकर्ता, अजन्मा, भोक्ता, निराकार को क्यों कहते हैं, क्योंकि वो दूसरों से सृजन करता है, और खुद सृजन कर्म करके बंधन में नहीं आता। वो कर्म बंधन में नहीं आता, वो करवाता है, अकर्ता होता है, वो दूसरों से करवाता है। तो छोटू राम ने भी एक अपना रूप निकाला नानू राम, और वो भी 200 किलोमीटर के ऊपर गोले में रहकर, वो सिर्फ 10 कला के गोले में रहकर वो सारा ऑब्जर्वेशन करा के सारा रिपोर्ट ऊपर नानू राम छोटू राम को भेजता है, छोटू राम बेहद के पीएम को भेजता है, बेहद का पीएम मुझे भेजता था निराकार रूप में ऊपर। तो बहुत अति हुई बातें, धीरे धीरे बातें समझ में आएगी, इतनी बातें जल्दी समझ में नहीं आएंगी। चलिए ठीक है बाबूजी, और कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। बस आत्मस्वरूप बनो, आत्मस्वरूप की अनुभूति करो, आत्मस्वरूप बनोगे तो तुम्हारी आत्मा की लाइट तुम्हारे रचिए तक जाएगी, तो वो रचियता तुम्हारा 108 वाला होगा, तो 108 का रचियता पकड़ लेगा कि ये मेरा साकार रूप है। तो फिर धीरे धीरे जब 108 पूरे तैयार हो जाएंगे तो 108 में एक साथ में प्रवेश करेंगे 108 में, और जब वो भी अलमाइटी का रूप धारण करके अभी काम कर रहे हैं, अलमाइटी के साकार रूप को धारण करके, साकार रूप को धारण करके वो आकारी रूप में भी काम कर रहे हैं, वो सबको हेल्पलाइन भी भेज रहे हैं, चारों ओर ढूंढ रहे हैं 108 1008 वो ढूंढ रहे हैं, ज़्यादातर 108 1008 को ही ढूंढ रहे हैं। चलिए ठीक है बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद, परमा शांति। परमा शांति।